हाँ तो भाई लोग, मिर्जापुर के 3 एपिसोड पे वीडियो बना के मैं चौथे पे काम कर ही रहा था, लेकिन तभी तभी आ जाता है ये फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का फर्स्ट एपिसोड। तो मैंने सोचा कि इसको भी देख लेते हैं और इस पे वीडियो बना देंगे और आपको भी कुछ नया देखने को मिल जाएगा। नहीं, मेरा मन भी था ये नहीं कि चल तेरे लिए देखूंगा आज मैं, यार सिर्फ तेरे लिए बहुत मन था। तो फिर मैंने अपने स्क्रिप्ट राइटर और एडिटर से भी पूछा और लकीली वो मान भी गए क्योंकि मैं ही वो। तो कुल मिला के बात यह है कि इसका आएगा हफ्ते में एक एपिसोड, मतलब कि अपनी मिर्जापुर की सीरीज साइड में चलती रहेगी, बट जब भी इसका नया एपिसोड रिलीज हुआ करेगा हम उसको भी लपेट लिया करेंगे। This is business. तो एपिसोड शुरू होता है हमारे फैल्कन से। I am Iron Man. बट हम अपनी वीडियो में इन सीरीज की तोड़ मरोड़ करते हैं, तो इसी हिसाब से इनके नाम कुछ ज्यादा ही इंग्लिश में है, तो हम इनका थोड़ा देसी नामकरण करते हैं। तो फैल्कन को हम बुलाएंगे पंछी राजन, not bad, not bad. और बकी को बुलाएंगे। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह, मतलब कुछ भी। दोबारा शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है हमारे पंछी राजन से और वहीं पड़ी होती है कैप्टन अमेरिका की शील्ड। बाइटर से सुन लिया और आना बात। फिर अपना पंछी शील्ड को उठा के बोलता है, अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। फिर आगे जो फौजी हमारे पंछी को बता रहा होता है कि कुछ गुंडा लोगों ने हमारे कप्तान को उठा लिया है, तो तुम हो हीरो तो बचाओ जाकर। What? फिर हमारा पंछी निकल जाता है कमांडर को बचाने, वहां ये देखता है कि इन्होंने पायलट को टपका दिया है। इतने में ये अपने पंछी को देख लेता है और बोलता है, हे हे हे, मैंने उड़ता हुआ बंदा देखा। और ये बोलता है, देखो कितनी बार बोला है ये पायलट सीट पे बैठ के व्लॉगिंग मत किया कर, थंबनेल और टाइटल के चक्कर में कुछ भी बोलता रहता है। इधर अपना पंछी एक्सरे विजन ऑन करता है, ये वैसे काम की चीज है। एनीवेज, पंछी अपना एक्सरे विजन ऑन करके देखता है कि अंदर कमांडर खामखा पिट रहा है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। ये देख के अपने पंछी का खून खोल जाता है और ये अंडा दे देता है। ना? तुम लोग चिल करेंगे, अपन ड्रिल करेंगे। फिर अपना पंछी अंदर घुस के इन सबको पेल के पहुंच जाता है कमांडर के पास। पर इतने में जो अंधे घोड़े की तरह गोलियां चलाने लगता है, घोड़े की तरह, और एक गोली सीधा जाके लगती है पायलट को। तो अब कुल मिला के बात यह है कि प्लेन गिर रहा है, तो फिर ये सब कमांडर को लेके कूद जाते हैं। मतलब क्या, वो उड़ सकता है, उसके पास पर है, ठीक है बुक। तो फिर तो एंड में अपना पंछी राजन कमांडर को बचा लेता है। हंसी मजाक साइड में फैल्कन बंदा कमाल का है वैसे। पाँव करना भाई ऊंचा कर, सर ऊपर रख पाँव। फिर आगे हमें दिखते हैं कार्तिक आर्यन, एलोन मस्क। कौन बुला रहे थे? अच्छा, ये टूटा हुआ डिवाइन भी इधर ही है। छोड़े अच्छे से बात कर। और तभी हमें दिखता है जब अपने पंछी राजन का साइड किक जो कि दोनों के लिए चाय लेकर जा रहा है। तुम्हें डैड से क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो उनके नाम का इन्वर्टर बना रहा हूँ, ये देखो। और तभी वहां जब बंदा आ जाता है और पंछी को बोलता है, पाजी यार शुक्रिया, जब थैनोस ने चुटकी बजाई तो मेरी पत्नी भी स्वाहा हो गई थी, पर आपकी वजह से जो मेरे पास वापस आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर ये साइड की कुटता है और व्लॉगिंग करने लगता है। फिर इसे दिखता है ये निशान, तो ये अपने पंछी को बताता है कि ये पंजे वाले कुछ गलत कर रहे हैं, ससुरे एक साइड से आलू डालते हैं दूसरी साइड से सोना निकालते हैं। नहीं मतलब ये अभी के विलन है, तो पंछी अपने साइड किक को इनके पीछे लगा देता है। पर तभी ये बंदा पूछता है कैप्टन अमेरिका के बारे में, लेकिन एक मिनट, ये कैरी मिनट क्या कर रहा है इधर? ओके, तो जो लोग थंबनेल देख कर आए थे, कैसे दिया आपको है? नहीं दिया, अच्छा। हाँ तो ये पूछता है कि मैंने सुना है कि कैप्टन अमेरिका भी चांद पर रहते हैं। चांद पर खुफिया बेस बनाकर हमारी निगरानी कर रहे हैं। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। अबे चांद पे है मैं। फिर इधर अपने पंछी राजन एक इमोशनल सी स्पीच देकर अपने कैप्टन अमेरिका की शील्ड को दान कर देते हैं किसी म्यूजियम में। और इधर एंट्री हो जाती है हमारे बकी द बांस उफ शहंशाह बाबू की, जो कि बिना वजह बंदों को पेल रहा है। बट बूम, ये तो है सपना। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। फिर आगे अपने शहंशाह बाबू जाते हैं इस डॉक्टर के पास जो कि इसके बुरे सपनों का इलाज करती है। ऐसे डॉक्टर होते हैं? अगर होते हैं तो मुझे भी बताओ यार, मुझे बुरे सपने तो नहीं आते, शायद आते भी होंगे, क्योंकि जब मैं उठता हूँ मुझे सपने याद ही नहीं रहते। तो ये तुम्हारा समस्या है। एनीवेज, तो शहंशाह बाबू इसको बताते हैं कि जो अपने किए हुए बुरे कामों को सही करने के लिए उन सभी को पकड़वा रहा है जिनके साथ ये काम करता था। सांप को पाल रहा था और इसने एक डायरी लगा के रखी है, जिसको जो पकड़वा देता है उसका नाम कट कर देता है, मतलब हिसाब का पक्का है बंदा। फिर आगे जो इस बूढ़े अंकल के साथ कहीं खाना खाने जाता है, जहाँ इसको ये लड़की पसंद आ जाती है। और यार जी अंकल लड़की को सीधा पूछ लेते हैं, चलती क्या,
और ये लड़की मान भी जाती है। ए गाड़ी स्टार्ट कर। बट फिर ये अंकल अपने मरे हुए बेटे को याद करके रोने लगता है और अपना बाकी भी कुछ सोचने लगता है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो इधर हमें दिखते हैं पंछी राजन की बहन जो उसको बताती है खानदानी कश्ती बेच रहे हैं क्योंकि हमको चाहिए पैसा। तुम तो कट लिए थे 5 साल के लिए, तुम्हें क्या पता महंगाई क्या चीज है। अच्छा हमको सिखा रिया है। पहले तो गाड़ी लो, फिर उसका GST टैक्स भरो, फिर उस गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल डलवाओ, वो भी इतना महंगा, उसका भी GST टैक्स भरो। फिर उस गाड़ी को चलाने के लिए अगर रोड पे लेकर जाते हो, वो रोड भी हमारे इनकम टैक्स से ही बनता है। नहीं जा किधर रहा है सुनना, और जो रोड हमारे ही टैक्स से बना है उसका अलग से टूल प्लाजा पे जाके दोबारा से टैक्स दो। तेरा क्या है, तू तो कहीं भी उड़ के चला जाता है। बट फिर भी अपनी बहन को कहता है बैंक चलते हैं लोन लेते हैं बट कश्ती नहीं बेचेंगे। मतलब यही चीजें होती हैं जो लोग देखना चाहते हैं कि एक सुपर हीरो अपनी दोनों लाइफ कैसे हैंडल करता है, जैसे कि स्पाइडरमैन करता था। अब ये वाला स्पाइडरमैन तो टोनी भैया की मेहरबानियों पे चल रहा है, मुझे तो लगता है इसको काटा भी टोनी भैया ने होगा। एनीवेज तो इधर अपने शहशाह बाबू आ चुके हैं डेट पर और ये लड़की जीवन मौत पे भाषण देकर अपने बकीदा बांस को बेच देती है गिल्ट ट्रिप में। तो भाई अपना वहां से भग के जाता है सीधा इस अंकल के पास। तो ये अंकल को कहता है कि चाचा वो शाम को जो खाना खाया था उसका पैसा देना भूल गया मैं, तो ये लो। बट जिस हिसाब से पीछे म्यूजिक चल रहा था मुझे नहीं लगता कि ये पैसे देने आया था। बट फिर ये अपनी डायरी खोलता है और वहां लिखा होता है अंकल के बेटे का नाम। ओ मतलब के टोनी भैया के माँ बाप को भी इसी ने मारा था और अंकल के बेटे को भी इसी ने मारा। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। इधर जो अपने पंछी राजन का साइड की कभी भी व्लॉगिंग कर रहे हैं, एक तो आजकल कोई भी व्लॉगिंग कर रहा है, कोई भी मतलब कोई भी। पर तभी वहां पे आ जाते हैं कुछ गुंडा लोग और करो व्लॉगिंग मर गया मां। इधर पंछी राजन अपनी बहन के साथ बैंक आता है लोन लेने, बट बैंक वाला कहता है लंच टाइम। पर ये बैंक वाला अपने पंछी भाई को पहचान लेता है और बोलता है मैंने देखा कि कैसे आपने दुनिया को बचाया सर। ये सुन के अपने पंछी भाई खुश हो जाते हैं कि चलो अब लोन तो मिल ही जाएगा। बट बैंक वाला कहता है नहीं चे, धिक्कार है हम पर। अरे भाई दुनिया को बचाया है, कुछ करो हमारे लिए भी। तो ये कहता है करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, सेल्फी लेंगे आपके साथ, ले ली नाउ फक ऑफ। इधर फिर व्लॉगर भाई पंछी को फोन करते हैं और कहते हैं भाई व्लॉग अपलोड कर दिया है, लाइक वाइक करो, वीडियो लाइक से ज्यादा है, मेरी वीडियो भी लाइक कर दो यार, यहाँ तक आ ही गए हो तो लाइक कर दो। तो तभी वहां आती है पंछी की बहन और बोलती है जल्दी न्यूज लगाओ। तो न्यूज में ये कोई मंत्री है जो कि बोल रहा है आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। देवी और सजनों पेश आपके आगे एक ब्रांड न्यू 8GB रैम 128GB मेमोरी वाला शाओमी का कैप्टन अमरीका। इधर ये देख के अपना पंछी राजन कल्प जाता है कि साला ये सब करने को तो नहीं दिए थे शील्ड। आंख दिखाता है मादर जात, फोड़ी डालूंगा साला। बस फिर एपिसोड खत्म। तो ये था हमारे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के पहले एपिसोड का तोड़ मरोड़। अगर तो वीडियो अच्छी लगी जो कि लगी होगी, ये तो रिपीट हो गया ना लास्ट वीडियो से, चलो कोई बात नहीं लाइक कर दो अगर अच्छी लगी तो, और कमेंट करके बता देना कि सीरीज को कंटिन्यू किया जाए या नहीं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यार एक बात तो बताओ, अगर बाकी 106 साल का है और सिंगल है तो उसको तो एक्सपेरिमेंट की जरूरत ही नहीं थी, उसका हाथ तो ऐसे ही लोहे का होता। चलो कोई बात नहीं।